एम अहमद एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त रघुनाथ चुनावी समर चल रहा है और रघुनाथपुर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से जो है इस वक्त मैं हसनपुरा प्रखंड के निज़ामपुर गांव में मौजूद हैं। शाम का 6:15 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि यहां से जो राजद उम्मीदवार हैं हरिशंकर यादव, उनकी जो है उनके लिए काफ़ी तादाद में जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और खुद राजद नेत्री हिना शहाब उनके लिए कैंपेन कर रही हैं और वोट मांग रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि पहले दिखाएं कि कैसे जो है हुजूम है, कैसे जो है लोग उनके लिए दीवाने हैं, जो है एक मश्क है कि मुझे जो है हरिशंकर यादव को ही वोट करना है, ये नहीं कि राजद नेत्री की तरफ से जो भी फरमान जारी होता है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं रघुनाथपुर कंचौसी के पूर्व प्रत्याशी है डब्लू खान हामिद रजा खान, उस डब्लू खान मौजूद है। डब्लू खान, आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आपके जो कैंडिडेट हैं हरिशंकर यादव जी, तो पिछली बार भी चुनाव जीत के यहाँ से आए थे, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि वह हमारे लिए कुछ काम नहीं किए। बहुत काम किए हैं, अपने औकात से ज़्यादा काम किए हैं। 100% जो उनको फंड मिला था उन्होंने खर्च किया है। फिर कुछ लोगों की ऐसी नाराज़गी है, ऐसा क्या मानना है कि निज़ामपुर में जो है राजद नेत्री हिना शहाब को आना पड़ा? भाई, इनका घर है, इनका लोकसभा क्षेत्र है, लोग अपने चुनाव में ये चाहे हमारे जो नेता डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे वो भी नहीं आते थे। आज इनका दिल किया कि हम घूमें, अपने लोगों से मिले, उसी का कड़ी यही है, मिलने चले आई हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में अपार समर्थन मिल रहा है राजद कैंडिडेट हरिशंकर यादव का। मैं खुद जो है राजद नेत्री हिना शहाब से पूछूंगा कि आप जो है खुद चलकर निज़ामपुर गांव में आई हैं अपने कैंडिडेट हरिशंकर यादव से, क्या उन्हें कैंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अच्छा, ये बताइए, क्या निज़ामपुर मेरा गाँव नहीं है, मेरा घर नहीं है? आपका लोकसभा कैंडिडेट विधानसभा ये इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा में ये आपका इलेक्शन में आ गए तो गलत, इलेक्शन में नहीं आते तो सही रहता। आना जाना हमेशा हर हम लोग हर दुख सुख में आते जाते हैं, तो अभी आ गए तो नहीं कहते हैं चुनावी समर की वजह से लोग जो है ले रहे हैं कि कैंपेन करने की वजह। नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि एक पन से दो काज हो जाए, वही बात है। हम दुख सुख भी जान लिए अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, और चुनाव का भी हो गया काम, कैंपेनिंग भी हो गई, हम सब युवाओं का उत्साह जान लिए कि सभी लोग यहाँ के युवाओं, मतलब मेरी कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी, यहाँ के युवाओं में ये इस बात का उत्साह था कि हो सकता है कि रघुनाथपुर से खुद हिना शहाब चुनाव लड़ें, मगर आपकी तरफ से इनकार किया गया और एक बार फिर से जो है हरिशंकर यादव में आस्था जताई गई। यहाँ मतलब कि आपका तालमेल था या पार्टी की तरफ? देखिए, पार्टी का जो फैसला है वो हमारा फैसला है, ठीक है? तो क्या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हरिशंकर चाचा, तो उनको भी दोबारा मौका दिया गया तो क्या गलत किया गया? अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ना हो तो फिर वो परिवार नहीं होता है। आप देख रहे थे कि खुद राजद नेत्री हिना शहाब हरिशंकर चाचा को अपने बड़े और बुजुर्ग मान रही हैं और उन लोगों से, अपने युवाओं से अपील कर रही हैं कि जो है ससुराल है ये पूछना चाह रहा है दोनों हैं इनका खुद मानना है कि सिवान जिला मेरा मायका भी है और सिवान जिला में मेरा ससुराल भी है, तो ये दोनों को मिलाकर ये अपना गांव मानती हैं और उनके युवाओं में काफ़ी आस्था है और लोगों से ये अपील करती हैं कि चेहरा हरिशंकर यादव का है, सिंबल मेरा है, इसलिए किसी भेदभाव में ना पढ़कर खुद जो है आप लोग वोट करें। मैं और भी कुछ युवाओं से पूछते हैं, यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष शारिक इमाम जी, आप शारिक इमाम साहब, आप बताएं कि हरिशंकर यादव जी के लिए यहाँ के युवाओं में क्या आस्था जगी है? काफ़ी लोग खुश है हरिशंकर यादव को फिर से आ जाने के वजह से, अब वो फिर से जीतेंगे। युवा उनके प्रति काफ़ी देख रहे हैं कि जोश खरोश से हर जगह युवा उनके साथ आज इधर घूमे भी हैं, उनको भरपूर, जब हमारी है ना साहब, हम लोग गार्जियन, जब इनका समर्थन है तो सारे लोगों का समर्थन है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि पिछले चुनाव में हरिशंकर चाचा 10,000 वोट से जीते थे और अभी आपका तो महागठबंधन है, क्या लगता है आपको कि इनकी जो है कितने वोटों से जीत होगी?
जी, मैं उम्मीद जताती हूँ कि 50,000 से कम नहीं होगा इस बार, इंशाल्लाह।